हेलो क्रिएटर्स, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ईजी लर्न जीएफएक्स, जहाँ पे आप सीखते हो क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स। सो आज मैं लेके आया हूँ अगेन एडोब इलस्ट्रेटर सीरीज की नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ शेप बिल्डर टूल। और इसका आप यूज कहाँ पे कर सकते हो? इसका यूज आप लोगो डिजाइन में कर सकते हैं और इसका यूज आप आइकन डिजाइन में भी कर सकते हो। बहुत सारा फ्रीलांसिंग ऐसी साइट है जहाँ पे आप आइकन डिजाइन बना के वहाँ पे पब्लिश कर सकते हो और आप उसके बदले में पैसा कमा सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट, सो जस्ट आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि मैंने अपने आर्टवर्क में दे रखा है। एंड अब एक क्वेश्चन एक और आया था, मेरे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आपका सिर्फ एक ही वीडियो मिल पाता, बाकी वीडियो नहीं मिल पाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में हमने ये बना रखा है, जैसे आप एडोब इलस्ट्रेटर का देखना चाहते हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है। अगर आप फोटोशॉप का देखना चाहते हो तो यहाँ पे इसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आप कोरलड्रॉ का देखना चाहते हो तो ये यहाँ पे प्लेलिस्ट है। सो अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, तो उसमें वन बाय वन जो भी हमने वीडियो बना रखा है वो आपको दिखेगा उस प्लेलिस्ट में, उस सॉफ्टवेयर का। तो पहला क्वेश्चन है कि शेप बिल्डर टूल मिलेगा कहाँ? आपको पता है कि टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ पे जैसे आप आते हो तो यहाँ पे आता है शेप बिल्डर टूल, जिसका जो शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एम है। एंड उसी के नेक्स्ट जो टूल है वो है लाइव पेंट बकेट टूल, जिसका शॉर्टकट के है। और उसी के आगे जो नेक्स्ट टूल है वो है लाइव पेंट सेलेक्शन टूल। तो ये तीनों टूल आज हम देखेंगे और इस टूल से मैं कुछ एग्जांपल बना के आपको दिखाऊंगा और इसको कैसे आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में या अपने काम में यूज करोगे उस पर भी मैं आपको एक आइकन बना के दिखाऊंगा। और फिर आप अपने हिसाब से अपना जो भी आइकन आप बना सकते हो, और बनाते हो तो ज़रूर मुझे शेयर करो या कमेंट करके बताओ यस आपने ये बनाया है। सो अगर आप जाते हैं शेप बिल्डर टूल पे और इसके ऊपर में जस्ट होवर करते हैं तो आपके पास ये इस तरीके का ऑप्शन दिखाता है इलस्ट्रेटर कि अलग अलग शेप को आप कैसे कंबाइन करते हो। ठीक है, इसका शेप बिल्डर टूल का काम यही है। सो अगर आपको लगता है कि इसके प्रॉपर्टी में मुझे कुछ चेंज करना है तो डबल क्लिक करें तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। सो इस तरीके का ये पूरा प्रॉपर्टी है। अगर फ्री फॉर्म आप चलाना चाहते हो, ये स्ट्रेट लाइन चलाना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन को ऑप्शंस को क्लिक करके आगे कर सकते हो। सो मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे ओके करके आगे बढ़ रहा हूँ। सो मुझे इसको समझने के लिए आपको दो शेप बनाने पड़ेंगे। सो जैसे मैंने यहाँ पे एक इलिप्स टूल लिया और यहाँ पे मैं इसको कलर अलग कर देता हूँ। ठीक है, नाउ इसी का हमने क्या करना है, डुप्लीकेट कर लेना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। सो आपको ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन टूल यूज कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसको बढ़ा दिया, अगेन आपने इसको कॉपी किया और आपने यहाँ पे ऐसे किया, इसको आपने ऐसे किया। ठीक है, सो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप है, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर फील इसमें कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद इसमें आपने अलग कलर फील किया ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अलग अलग कलर है। सो मैंने ये अलग अलग कलर कर दिया। अब सबको सेलेक्ट करना है और शेप बिल्डर टूल आपको लेना है। जैसे आप शेप बिल्डर टूल लेते हो तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो इस तरह का प्लस का आइकन आता है। प्लस का आइकन मतलब ये है कि आप सब शेप को ऐड करना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि सबट्रैक्ट भी करना है तो अल्ट अगर प्रेस करते हैं आप अपना अल्ट और लेफ्ट माउस, तो ये देखें आपका ये जो कर्सर है वो चेंज हो जाता है। सो मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ, शेप को ऐड कर रहा हूँ। जस्ट आपको लेफ्ट माउस प्रेस करके इस तरीके से चलाना है जो भी इसमें शेप है। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट माउस को छोड़ोगे अब आप ये देखेंगे कि ये अलग अलग शेप जो था ये एक यूनाइट शेप में बन के तैयार हो गया है। तो शेप बिल्डर टूल का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नाउ मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और अगेन मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि शेप बिल्डर टूल में जो माइनस का है वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। या मैं कोई दूसरा शेप ले लेता हूँ, सपोज करें यहाँ पे हमने यहाँ पे इलिप्स टूल लिया ये। ठीक है, दूसरा मैं क्या करूँ यहाँ पे ये टूल को यहाँ पे मैंने अलग कलर कर दिया इस शेप को। दोनों को हमने सेलेक्ट किया और अब हमें लगता है कि मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना, सिर्फ ये वाला पार्ट हमें चाहिए। सो आप यहाँ से यहाँ पे आएँ और अल्ट क्लिक करें, लेफ्ट माउस को आप ड्रैग करें टुवार्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सो अब आप देखें जो भी शेप का अलग पार्ट था वो आपका डिलीट हो गया और इस तरीके से आपका ये शेप बन के तैयार हो गया। राइट, सो नाउ जो नेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको ये बता रहा हूँ कि आपने इलिप्स टूल लिया और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि हर सेक्शन में अलग अलग कलर करना है तो आप कैसे करोगे? तो अभी
आपको क्या करना है, एक लाइन टूल मैं ले लेता हूँ, और लाइन टूल लेके मैंने अलग अलग ये इसका पोजीशनिंग दे देता हूँ। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसको मैं यहाँ से रोटेट करके इधर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसको सेलेक्ट, और मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। नाउ अब आप इसका अल्ट के साथ भी डुप्लीकेट कर सकते हो, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे सेलेक्ट किया। तीनों को सेलेक्ट कर लें अब आप, ठीक है। और अलाइनमेंट में हमने क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर करना है और वर्टिकली करना है, ताकि तीनों को जो एक्सिस पॉइंट है यहाँ पे सेंटर में अब आ जाए, ठीक है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे हमने इसका क्लास बना रखा है, उस क्लास को आप देखोगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं बोल इस सेक्शन में अलग कलर होना चाहिए, इस सेक्शन में अलग कलर होना चाहिए, इस सेक्शन में अलग कलर होना चाहिए, तो इसके लिए ही यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है लाइव पेंट बकेट, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप आते हो और आपको जो भी कलर लगता है, लाइक येलो कलर आपको फील करना है, तो आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप देखें कि ये दिखाता है लाइव में, मिडिल में तीन कलर दिख रहा है। सो आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया है वो कलर आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा है। सो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देखो ये कलर आपका फील इसमें हो गया। आउटलाइन को अगर आपको नन करना है तो यहाँ पे आप नन भी कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट कलर है मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें फील करके देखता हूँ। तो ये हमने कलर फील किया इसमें। नाउ जो नेक्स्ट कलर है आपको ये फील करना है, आप यहाँ पे आके ये फील कर लें। नाउ जो नेक्स्ट कलर है, तो इस तरीके से आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग आप कलर कर देते हो, ठीक है। सो जब इस तरह का ये कलर हो जाए तो अब आपको लगेगा कि जो आपने ये लाइनिंग बनाया था लाइन को मुझे डिलीट करना है। सो लाइन को आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप डिलीट करो, तो ये क्या हुआ, पूरा शेप आपका डिलीट हो रहा है, हमें सिर्फ लाइन को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको क्लिक करके और डिलीट करेंगे। तो अब आप देखेंगे जो हमने सेक्शन बनाया था वो डिलीट हो गया। तो इसके लिए भी क्या करना है, फिर ऑप्शन क्या है हमारे पास, सबको आप सेलेक्ट करें एंड गो टू ऑब्जेक्ट मेनू, और यहाँ पे देखें एक्सपेंड का ऑप्शन आता है। एक्सपेंड जैसे आप क्लिक करते हो तो ये पूछता है जो आपने स्ट्रोक लिया है इसको भी एक्सपेंड करना है, तो हमें इसको स्ट्रोक को एक्सपेंड नहीं करना है, तो इसे आप डिसेबल कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ फिल और ऑब्जेक्ट को करना है, आप ओके कर दें। ओके करने के बाद बाहर जब क्लिक करेंगे तो आप लाइन को सेलेक्ट करें यहाँ पे, ठीक है, एंड डिलीट, तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। अगेन कंट्रोल जेड, आपको फिर क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और जो भी लाइन है उसको सिर्फ सेलेक्ट करें एंड डिलीट करें। आप इस तरीके से सेलेक्ट एंड डिलीट, सेलेक्ट एंड डिलीट। तो अब देखें ये आपके पास ये शेप बन के डिफरेंट डिफरेंट ये आ गया। सो इस पे आप क्या बना सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम का लोगो है, तो अगर आप अपना आइडिया लगाते हो तो उस तरीके से गूगल क्रोम का लोगो बना सकते हो। अभी जैसे ये शेप बन गया टोटल, ठीक है, तो अब आप क्या करें, इसमें एक सर्कल ले लें। मैं गूगल क्रोम का एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे आप बना सकते हो। सर्कल हमने ले लिया, अब मुझे क्या करना है, इसमें होल करना है, राइट। सो दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कर दें, मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है, और अलाइनमेंट में कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली, ठीक है, सब हमारा सेलेक्ट है। एंड मैं अब शेप बिल्डर टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे जाके अब आपको क्या करना है, अल्ट प्रेस करना है इस तरीके से, तो जो भी वो सेक्शन होगा वो इस तरीके से यहाँ पे हट जाएगा। सो अब देखें एक ग्राफ भी बन सकता है आपके पास, एक मतलब आप अगर लोगो बनाना चाहते हो तो लोगो भी बना सकते हो, राइट। सो जो नेक्स्ट टूल है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, इसको समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सो जो हमने जब सेक्शन बनाया था उस टाइम में जो भी आपने यहाँ पे लाइव पेंट, यहाँ पे लाइव पेंट बकेट से जो कलर फील किया था उसको अगर आपको लगता है मुझे एडिट करना है, सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लाइव पेंट सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं। और यहाँ से आप सेलेक्ट करके, इस तरीके से सेलेक्ट करके इसमें अलग कलर फील कर सकते हो। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसमें जो भी आपको लगता है कि आपको लाइक कलर फील करना है, आप यहाँ से इसके हिसाब से कलर फील कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर दोनों में तो सेम काम हो रहा, बट अगर आप देखें जब आप लाइव पेंट बकेट टूल लेते हैं तो ये सिर्फ आपको एरिया को, जो आपने एरिया लिया था उसमें ये शो कर रहा है कि इसमें मुझे कलर फील करना है, बट अगर इसी एरिया को मुझे सेलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे लाइव पेंट सिलेक्शन टूल क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके देखें ये एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो बेसिक फंडा है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉर्पोरेट में आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, कैसे आप आइकन डिजाइन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ से बिल्डर टूल। और एक मैं जुपिटर का
आपको आइकन या लोगो बना के दिखाऊंगा। सो होम आइकन के लिए आपको क्या करना है, आप एक रेक्टेंगल टूल लें। रेक्टेंगल टूल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करने के बाद हमें अब यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप चाहिए ताकि होम को वो रिप्रेजेंट करे। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉलीगन टूल क्लिक करना है और यहाँ पे 3 में क्लिक कर देता हूँ। 3 क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इस तरीके से ऑप्शन आ गया। सो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं कि इसका अलाइनमेंट, आप देख सकते हो कि अलाइनमेंट सही है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला नोड ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से आप इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और मैं अलग शेप ले लेता हूँ, अभी मैं इसमें कलर अलग कर देता हूँ और आउटलाइन जो है आप नन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है इसमें मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल टूल ले लिया, ठीक है। अब तीनों को आप सेलेक्ट कर ले और अलाइनमेंट पे हमेशा ध्यान रखें, अलाइनमेंट आपको परफेक्ट करना है, ठीक है। अब ये तीनों बन गया, इसी का मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ अल्ट के साथ। ये इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेव बिल्डर टूल यूज करना है एंड सेव बिल्डर टूल में हमें इसको कंबाइन करना है। सो हमें क्या करना है, अल्ट के साथ इसको हमने कंबाइन करना है। अब हमें ये चीज़ चाहिए, अभी हमें यहाँ पे गेट का आपको बनाना है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे अल्ट के साथ आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब आप देखें ये हमारा शेप अभी तक ऐड नहीं हुआ। सो अगेन आप यहाँ पे ऐसे ड्रैग करें, बस ड्रैग करना है। ड्रैग जैसे करोगे तो आपका ये शेप बनके तैयार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो जो ये अनवांटेड है उसको आप डिलीट कर सकते हो, एरिया को सेलेक्ट करो, डिलीट करो। अब ये जब बन गया तो ये बनने के बाद ये होम का आइकन देखें आपके पास बन गया। होम आइकन बनने के बाद आपको लगता है कि मुझे इसको रेडियस करना है, तो आप यहाँ पे आके रेडियस भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग टू, इसको जितना सेट करना है आप ये सेट कर सकते हो। रेडियस करने के बाद आप इसका आउटलाइन भी बना सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया और इसमें क्या करना है, कलर फील करना है नन और यहाँ पे आउटलाइन को हमें दे देना है वाइट। और स्ट्रोक कितना रखना है आप अपने अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक यहाँ पे रख सकते हो। इसका भी कलर आप चाहो वाइट करना तो वाइट कर सकते हो। तो अभी देखें यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका था कि हमने होम का आइकन यहाँ पे बना दिया विद द हेल्प ऑफ सी बिल्डर टूल। नाउ जो मैं अब नेक्स्ट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि जुपिटर कैसे आप बनाओगे। सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलिप्स टूल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जो भी मैंने पिछले वाला क्लास में बताया था स्केल टूल का, उसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अभी मैंने एक यहाँ पे क्लिक किया, इसी का मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए आप एडिट में जाएं, यहाँ से कॉपी करें, ठीक है, एंड पेस्ट इन प्लेस कर दे। कंट्रोल शिफ्ट वी जिसका शॉर्टकट आए होता है, आपने जैसे पेस्ट इन प्लेस किया वो पेस्ट हो गया। अब इसमें जो भी अलग कलर करना है आप अलग कलर कर सकते हो। अब इसे हमें छोटा करना है प्रोपोर्शनली। सो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी में देखें, राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी आता है। अगर यहाँ पे नहीं भी आए तो विंडो में जाके आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो वहाँ से आप प्रॉपर्टी क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ जाएगा प्रॉपर्टीज का। सो यहाँ पे देखिए ये जो लॉक है, लॉक होना चाहिए। लॉक नहीं होगा तो प्रोपोर्शनली ये छोटा नहीं होगा। जैसे अभी 375 है, 375 है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 320 और इंटर करता हूँ। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से छोटा होके आ गया। दोनों को सेलेक्ट करें, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव बिल्डर टूल में जाएं और यहाँ पे अल्ट के साथ क्लिक कर दें लेफ्ट माउस। तो अब आपके पास ये इस तरीके से बन गया। ये बनने के बाद अब हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कैसे हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में पर्सपेक्टिव और ये जो फ्री डिस्टॉर्ट है उसको कैसे यूज करना। तो मैं यहाँ पे आके फ्री डिस्टॉर्ट इस तरीके से ऐसे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको हल्का सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। सो जब इस तरीके का ये बन गया, अब हमें एक सर्कल लेना है। सो अब आप यहाँ पे जाएं इलिप्स टूल में और इलिप्स टूल को हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। सो इसको आपको बड़ा करना है तो आप यहाँ पे जाके इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे जितना बड़ा आपको रखना है। सो हमने इसको बड़ा किया। अब इसमें अलग अलग कलर हमें फिल करना है, तो ग्रेडियंट भी मैंने आपको बता रखा है कि ग्रेडियंट को कैसे आप यूज करते हो। अगर आपको नहीं पता है तो विंडो में जाएं और यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन आता है, आप ग्रेडियंट ले सकते हो। यहाँ पे शिफ्ट F9 आपने जैसे क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का आ जाएगा। सो अब आप यहाँ पे डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सा कलर फिल करना है। सो आप यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आप कलर ले सकते हो। अगर आपने ये क्लास नहीं देखा ग्रेडियंट वाला तो वो भी मैंने बना रखा है, आप उस क्लास को देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब इसको अगर मुझे लगता है कि रोटेट करना है, मुझे इधर से उधर करना है, तो अब आप इसे लेफ़्ट टू राइट कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये हमने ये बनाया, अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे लाना है, ठीक है।
और अब हमें क्या करना है, अरेंज का यूज करना है। राइट क्लिक करें अरेंज में, यहाँ पे सेंड टू बैक करें। अब सेंड टू बैक में बहुत ज़्यादा बैक हो गया, तो हमें क्या करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड करना है। तो ये अब आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। बट अब हमें क्या चाहिए कि ये यहाँ तो ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि अभी गैप आ जाए यहाँ पे। यस, तो अब देखें ये यहाँ तो सही है, बट ये यहाँ पे वाइट लव्ज पर्सन है वो नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, इसको आप सेलेक्ट करें, ठीक है, कंट्रोल सी हमने कॉपी किया, फिर आके आपको कंट्रोल शिफ्ट भी करना पेस्ट इन प्लेस, तो ये अब ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इस रिंग को सेलेक्ट करना है इसके साथ, तो ठीक है, शिफ्ट के साथ आपने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब आप जाएंगे सेव बिल्डर टूल में, सेव बिल्डर टूल में जाने के बाद यहाँ प्लस का आइकन आ रहा है, तो आप बाहर जाएं थोड़ा सा लेफ्ट माउस को लेके और अल्ट पहले प्रेस कर लें, माइनस का आइकन आ जाएगा, देन आप इस तरीके से यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। तो आपको लगेगा कि सर अभी तो कुछ हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाहर क्लिक करना है और ये जो शेप आपने जो अभी पेस्ट किया था ये अलग हो जाएगा, इसको आप डिलीट कर दें। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये आपका रिंग ऐसा है और इसमें ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो इस रिंग में ये हो गया। अब इसमें भी अगर आपको लगता है ग्रेडियंट यूज करना है, तो आप ग्रेडियंट यूज कर सकते हो इस तरीके से। इसमें मैं थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ, ताकि हमारा लुक एंड फील चेंज हो जाए। मैंने यहाँ पे ये कलर फील किया, एंड इसमें मैं थोड़ा सा लाइट, या लाइट ठीक है, ठीक है, इतना लाइट ठीक है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसको मॉडिफाई किया और इस तरीके से हमने इसको बनाया। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम से बिल्डर टूल को यूज कर सकते हैं। तो जो भी आप बनाओगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आपने कौन सा आइकन डिज़ाइन बनाया है। अगर आपके लिए ये वीडियो लगता है कि हेल्पफुल हुआ है, इंटरेस्टिंग हुआ है, तो लाइक तो बनता है, तो लाइक करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। थैंक यू वेरी मच।